मेरी यह रचना उस स्थिति के लिए है जहां हर माता पिता के जीवन में एक ऐसा सूनापन का समय आता है जब उसके बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए उनसे दूर जाते हैं। उसी समय की मनोदशा को शब्दों के माध्यम से रेखांकित करने की एक कोशिश मैंने अपनी रचना एक विदाई ऐसी भी में किया है। कण कण जोड़कर यह देह बनी, कण कण जोड़कर यह देह बनी, तिनका तिनका जोड़ के यह आशियाना, कुछ पल महीना बरस साथ रहे, फिर आई विदाई की बेला, फिर आई विदाई की बेला, जिसका न कोई आदि न कोई अंत, जिसका न कोई आदि न कोई अंत, वह छोटी छोटी सी बातें, वह खेलना वह लड़ना, मेरा एक खिलौना चला गया, अपनी योग्यता को निखारने छोड़ गया, ढेर सारी बातें यादें उन बेजान सी चीजों में, छोड़ गया ढेर सारी बातें यादें उन बेजान सी चीजों में, मम्मी पापा करके आगे पीछे घूमना, अचानक कहकर माँ अच्छे से रहना, तुम भी अच्छे से रहना बेटा, और चला जाना अपने कर्तव्य पथ को संवारने में, और चला जाना अपने कर्तव्य पथ को संवारने में, सुना हो गया मेरा आंगन बस तेरी यादों का साथ, सुना हो गया मेरा आंगन बस तेरी यादों का साथ, वह बचपन की अबूझ सी तेरी बातें, तेरी नादानी और मेरी घुड़की देना, तेरी नादानी और मेरी घुड़की देना, फिर उठना फिर मनाना, अभी गया ही नहीं तू कि तेरे आने का इंतजार, जब आएगा काबिल बनकर रह पाऊंगी क्या तेरी माँ बनकर, जब आएगा काबिल बनकर रह पाऊंगी क्या तेरी माँ बनकर, हम दूर जाने लगे बिट्टू तेरी जवाबदारियों के निर्वाहन हेतु, तेरे वह नन्हे नन्हे कदम अब बड़े होने लगे, तेरे वह नन्हे नन्हे कदम अब बड़े होने लगे, उंगली पकड़कर गोद में रहने वाला, घुटनों के सहारे रेंगने वाला, आज अकेला खुद ही चलने लगा, आज अकेला खुद ही चलने लगा, हमसे मार्गदर्शन लेने वाला, कभी कभी हमारा मार्गदर्शक बनने लगा, कभी कभी हमारा मार्गदर्शक बनने लगा, एक छोटा सा शिशु दुनिया सा का सामना करने के लिए तैयार होने लगा, एक छोटा सा शिशु दुनिया का सामना करने के लिए तैयार होने लगा, मेरा आंगन सूना हो गया, मेरा आंगन सूना हो गया, मेरी गोद अकेली रह गई, कैसे जीऊंगी एक एक लम्हा पहाड़ सी जिंदगी का, कैसे जीऊंगी मैं एक एक लम्हा पहाड़ सी जिंदगी का, अपने ही कंधों पर कब तक खुद को ढोती रहूंगी, अपने ही कंधों पर कब तक खुद को ढोती रहूंगी, इन बेजान सी चीजों से कब तक बात करती रहूंगी, इन बेजान सी चीजों से कब तक बात करती रहूंगी, कब तक अपने शून्य को भरती रहूंगी, कब तक अपने शून्य को भरती रहूंगी, जीवन का लक्ष्य ही तुम हो, जीवन का लक्ष्य ही तुम हो, तुम्हारे रास्तों के कांटों को, तुम्हारे रास्तों के कांटों को फूलों में तब्दील करना है हमें, तुम्हारे रास्तों के कांटों को फूलों में तब्दील करना है हमें,
अपने संघर्ष की पराकाष्ठा को सर्वश्रेष्ठ साबित करना है। हमें अपने संघर्ष की पराकाष्ठा को सर्वश्रेष्ठ साबित करना है हमें। धन्यवाद।